मेगापिक्सल का कैमरा, 5000 mAh की बैटरी और 6.62 इंचेस का डिस्प्ले साइज। एक यूजर को अपने स्मार्टफोन में और क्या चाहिए होता है। नमस्कार, मैं हूँ विनीत सिंह और आप देख रहे हैं NBT Tech और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ Realme GT Neo 2 की अनबॉक्सिंग। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मेरे हाथ में Realme GT Neo 2 का बॉक्स है। इस बॉक्स को देख के आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई रेसिंग कार है? मुझे तो ऐसी ही फीलिंग आ रही है, पता नहीं आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं। खैर, अब नजर डालते हैं इस पे लिखी हुई डिटेल्स की। सबसे पहले शुरू करते हैं Realme GT Neo 2 5G जो इसका नाम है। अगर बात करें प्रोसेसर की तो इसमें Snapdragon 870 5G प्रोसेसर मिलेगा आपको। इसके साथ ही 120 हर्ट्ज का E4 AMOLED डिस्प्ले भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। जो लोग अपने स्मार्टफोन को बहुत जल्दी चार्ज करना चाहते हैं उनके लिए इसमें 65 वॉट का सुपर आर्ट चार्ज दिया गया है। इसके साथ ही स्टेनलेस स्टील वेपर कूलिंग प्लस भी आपको इसमें मिलेगा। इसके साथ अगर कलर की बात करें तो इसका कलर है नियो ब्लैक। चलिए अब इसे अनबॉक्स करते हैं। वैसे जब मैं इसे उठा रहा था तो ये काफी हैवी लग रहा था। इसकी क्या वजह है ये मैं अभी खोलूंगा तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले यूजर मैनुअल, Realme सेफ्टी गाइड और ये क्विक गाइड। अगर आप Realme का फोन पहली बार चला रहे हैं तो आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। इसके साथ ये रहा फोन। उठाने में काफी हल्का है, बहुत ज्यादा हल्का नहीं लेकिन फिर भी हल्का है। आप फोन का लुक देख सकते हैं, काफी शानदार लुक के साथ। ट्रिपल कैमरा सेटअप, Realme की बैजिंग, 64 मेगापिक्सल का बैजिंग मिल रहा है इसमें। डिस्प्ले पे आपको पंच होल कैमरा और जैसा कि आजकल स्मार्टफोन में दिखाई दे रहा है ट्रिपल कैमरा सेटअप, लेकिन इस बार कैमरा की जो पोजीशनिंग की गई है वो थोड़ी डिफरेंट है। आमतौर पर आपको मिलेगा पहला कैमरा, दूसरा कैमरा और फिर तीसरा कैमरा, लेकिन यहाँ पर कैमरा की जो पोजीशन है वो चेंज की गई है। जो मैक्रो लेंस है उसे थोड़ा सा साइड में किया गया है। यहाँ पर आपको डुअल फ्लैश देखने को मिलता है और ये कैमरा 64 मेगापिक्सल का है। चलिए अब इस फोन को जरा स्टार्ट करके देखते हैं। अभी फोन ऑन हो रहा है और आप देख सकते हैं इसमें Realme की बैजिंग दिखाई दी। और अब सेलेक्ट करते हैं अपनी लैंग्वेज, नेक्स्ट, अग्री, नेक्स्ट, नेक्स्ट। वाईफाई मैं अपना ही ऑन कर रहा हूं। अब मैंने इस फोन में अपना वाईफाई कनेक्ट कर लिया है। चलते हैं इसके अंदर, चेकिंग फॉर अपडेट्स। जैसा कि आमतौर पर आप जब नया फोन खरीदते हैं तो उसमें सारी फॉर्मेलिटीज होती है, वैसा ही इसमें भी है। अब मैंने इस फोन को ऑन कर लिया है, गेट स्टार्टेड दिखा रहा है, लेकिन अभी इससे पहले मैं इसके साथ मिले हुए एक्सेसरीज को देखूंगा, तो इसे साइड में रख देते हैं। तो अब मुझे पता चलेगा कि आखिर ये इतना भारी क्यों है। तो सबसे पहले हम इसे निकालते हैं। एक सिलिकॉन केस है जो काफी अच्छा है और स्टाइलिश भी है और आपके स्मार्टफोन को ये गिरने से टूटने से बचाएगा। और मुझे इसकी क्वालिटी भी काफी पसंद आई है। आमतौर पर आप लोग अपने जो केस होते हैं जो फोन के साथ मिलते हैं उसे यूज नहीं करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं यूजर हूं और मैं ये फोन खरीद रहा हूं तो इस केस को ही यूज करूंगा। इसके साथ एक सुपरफास्ट चार्जर भी है जो 65 वॉट है, तो मुझे लगता है कि इसकी चार्जिंग भी काफी फास्ट होने वाली है। ये थोड़ा सा हैवी है लेकिन इससे चार्जिंग जरूर फास्ट होगी। इसके साथ ही एक टाइप सी चार्जिंग केबल है। वही सारी चीजें हैं, कुछ इसमें नया नहीं देखने को मिलेगा। आज से कुछ साल पहले तक जब आप स्मार्टफोन खरीदते थे तो आपको एक ईयरफोन मिलता था जो अब स्मार्टफोन्स में नहीं मिलता है, मिसिंग है। तो अब मेरे हाथ में ये फोन है, अब मैं स्टार्ट करता हूं इसे।
शुरू हो गया, काफी स्मूथ है। और मैं इसके आपको ऐप दिखाता हूँ जो कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है, मैं पर्सनली नेटफ्लिक्स यूज़ करता हूँ, इसमें फेसबुक है, स्नैपचैट है, अमेज़न है, इसमें बहुत सारे रियलमी के भी ऐप पड़े हुए हैं, प्री इंस्टॉल्ड ऐप हैं, डेली हंट है, जोश वगैरह है। तो आपको इसमें अगर कोई ऐप चाहिए तो आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे ऐप आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिज़ाइन की। तो सबसे पहले जो यूज़र का ध्यान जहां पर जाता है वो है कैमरा। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा आपको। तीन कैमरे हैं, जो इसका प्राइमरी कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का है, जो इसका सेकेंडरी कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है, और जो इसका मैक्रो कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का है। तो इससे आप बेहतरीन फोटोग्राफी कर पाएंगे ऐसा मुझे लगता है, वो तो रिव्यू के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मुझे ऐसा फौरी तौर पर ऐसा लगता है कि आप इससे अच्छी खासी फोटोग्राफी कर पाएंगे। और साथ ही इसमें आपको डुअल फ्लैश भी मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो इसमें मैंने अपना फिंगरप्रिंट रजिस्टर कर दिया है, और इसमें इन डिस्प्ले आपको टच सेंसर मिलेगा, जो कि आमतौर पर आजकल के फ़ोन में या तो साइड में मिलता है, या तो इन डिस्प्ले होता है या तो पीछे की तरफ लगा होता है, लेकिन इसमें आपको इन डिस्प्ले टच सेंसर मिलेगा, और जो काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स कर रहा है, जो चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई है। तो अगर पहली नज़र में देखें तो ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी प्रीमियम नज़र आता है, और कैमरा की जो इस बार नई पोजीशनिंग है ये मुझे काफ़ी पसंद आ रही है, क्योंकि अभी जो कैमरा स्मार्टफोन आ रहे हैं उनमें कैमरा एक के बाद एक नीचे की तरफ है ट्रिपल कैमरा सेटअप में, लेकिन इसमें पहली बार कुछ नया देखने को मिल रहा है, और नीचे रियलमी की बैजिंग भी है। अगर आप इसके टेक्स्चर पर नज़र डालें तो ये काफ़ी स्मूथ है, मेटालिक फिनिश है इस पर, और ये ग्लॉसी भी है। अगर आप इसे डिफरेंट लाइट्स में ले जाएंगे तो ये काफ़ी ग्लॉसी फील देता है। डिज़ाइन में अगर हम इसके साइड पर देखें तो यहाँ पर आपको पावर बटन मिल जाता है, इसके नीचे आपको स्पीकर ग्रिल, चार्जिंग पोर्ट, सिम ट्रे, और अगर हम साइड पर नज़र डालें दूसरे साइड पर तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम बटन मिल जाएगा अप डाउन। इसके अलावा आपको इसमें कुछ नई चीज़ देखने को तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये फ़ोन जो इसका डिज़ाइन है और जो इसका रेशियो वगैरह है उसके हिसाब से हाथ में पकड़ने पर ये बहुत भारी नहीं लगता है। हालांकि इसका वेट तकरीबन 200 ग्राम के आसपास है, उसके बावजूद ये ज़्यादा भारी नहीं लगता है, बल्कि हाथ में ये पकड़ने पर ये काफ़ी हैंडी है और प्रीमियम फील देता है। तो अगर बात करें कलर की तो ये स्मार्टफोन तीन कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें पहला है ब्लैक, दूसरा है ब्लू, और तीसरा कलर होगा येलो, जो काफ़ी वाइब्रेंट होगा। अभी हमारे पास जो कलर है वो है ब्लैक, और इसका अगर एग्जैक्ट वेट की बात करें तो ये 199.8 ग्राम्स का है। इसमें आपको डुअल सिम लगाने को मिलेंगे जो कि नैनो सिम होंगे, और इसमें कॉर्नरिंग गोरिल्ला ग्लास 5 दिया गया है, जिससे ये गिरने पर स्क्रीन टूटेगी नहीं। अगर बात करें प्रोसेसर की तो इसमें स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर आपको मिलेगा। ये स्मार्टफोन दो वेरिएंट्स में आएगा, पहला होगा 8GB रैम के साथ 128GB की स्टोरेज, और दूसरा वेरिएंट जो होगा वो 12GB की रैम के साथ 256GB की स्टोरेज। तो अभी जो हमारे हाथ में वेरिएंट है ये है 12GB 256GB वेरिएंट। अब इस स्मार्टफोन से जुड़ी हुई सबसे ज़रूरी चीज़ जो है इसकी चार्जिंग। अगर बात करें इसके चार्जर की तो ये 65 वॉट का चार्जर है जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, और अगर बात करें स्मार्टफोन की बैटरी की तो ये 5000 mAh की है। ये नॉन रिमूवेबल बैटरी है, तो मुझे ऐसा लगता है ये चल जाएगी लंबे समय तक अगर आप इस पे गेम खेलते हैं, या फिर फिलहाल ये चीज़ें हम आपको रिव्यू के बाद ही बता पाएंगे। और अगर बात करें कितनी इसकी चार्जिंग स्पीड है तो मैं आपको बता दूं कि जो कंपनी का दावा है वो 36 मिनट्स में ये 100% चार्ज हो जाती है, जो कि काफ़ी कम चार्जिंग टाइम है। अगर ऐसा होता है तो यूज़र्स को ये काफ़ी पसंद आएगा स्मार्टफोन। आमतौर पर मैं जब कोई स्मार्टफोन रिव्यू करता हूँ या फिर उसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ तो कैमरा ज़रूर देखता हूँ, तो चलिए इस बार इसकी कैमरा क्वालिटी भी देख लीजिए। हालांकि फाइनल जो कैमरा की डिटेलिंग है वो मैं रिव्यू में बताऊंगा कि कैमरा कैसा है, लेकिन अभी जो देखने में मुझे लग रहा है वो काफी सही है। इसके काफी फीचर्स हैं, फेसबुक है, कम्युनिटी है रियलमी की,
तो ये कुल मिलाकर ये मुझे काफ़ी सही स्मार्टफोन नज़र आ रहा है और काफ़ी इसका रिस्पांस जो है काफ़ी अच्छा है। अब आखिर में बात करते हैं स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। ये 120 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले है और आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है फिलहाल तो, और इसका रिफ्रेश रेट भी काफ़ी सही है और ये काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स कर रही है। अगर आपको Realme GT Neo 2 की अनबॉक्सिंग पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें।